नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम लोग इनवॉइस जनरेटर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई शॉप है या दोस्तों आप लोग किसी कस्टमर का यह प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए जो कि दोस्तों कस्टमर जो भी उसके दुकान से या शॉप से कुछ भी खरीदेगा उसका वो बिल जनरेट करके उसको दे पाए या आपने सेव कर पाए या कुछ भी कर पाए, तो आज के इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला इस तरीके का एप्लीकेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग स्टूडेंट है और दोस्तों आप लोग अपने कॉलेज प्रोजेक्ट लिए अच्छा एप्लीकेशन ढूंढे तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख कर ये प्रोजेक्ट भी आप लोग सबमिट कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में करने के वाले पहले ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कस्टमर का डिटेल्स लेंगे, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर ये, और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे देंगे उसने क्या सामान खरीदा, जैसे कुछ भी खरीद सकता है अपने प्रोजेक्ट का लिस्ट वहाँ पे हम लोग कॉम्बो बॉक्स की मदद से वहाँ पे शो करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे क्वांटिटी हम लोग शो करेंगे कितने क्वांटिटी में वो लोग खरीदा सामान, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग उसका प्राइस वहाँ पे एंटर करेंगे और साथ ही साथ टोटल प्राइस हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंटिंग के बारे में वीडियो नहीं बनाया था, बाकी जो सारा चीज है उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चाहे तो सारे के ट्यूटोरियल में बताता गया तो आप ये वीडियो मिलेगा वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग का भी फैसिलिटी को अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि दोस्तों ये इनवॉइस प्रिंट करके कस्टमर को दे पाए, ये भी करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग भी करेंगे, अगर कुछ उल्टा सीधा वहाँ पे एंटर हो गया तो प्रीव्यू करके कस्टमर देख भी सकता है, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन इस इनवॉइस जो भी जनरेट होगा उसको हम लोग पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर में आ गए, तो फटाफट दोस्तों बिना टाइम गवाए यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जैसे बाकी प्रोजेक्ट में क्रिएट करते थे उसी तरीके से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंडोज फॉर्म ये वाला सेलेक्ट कर देंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क यूजर इंटरफेस सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे सोनू स्वीट दे देते हैं। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, जिस भी आप लोग प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, जैसे दोस्तों आप लोग मान लीजिए बुक मैनेजमेंट बना रहे हैं तो अपना बुक के हिसाब से दे रहे हैं, या आप लोगों का कोई दुकान है उसके लिए बना रहे हैं, या कस्टमर का कोई दुकान है तो उसके हिसाब से आप लोग जो भी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग अपना प्रोजेक्ट का अपने एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो नाम है ये पहले से एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना, मैंने एक पहले ट्राई किया था बना के इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगा दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे नहीं लगाना है, ओके पे क्लिक कर देना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट बिल हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्म को जो है हम लोग कस्टमाइज कर लेंगे, इस तरीके से फॉर्म को थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, जैसे फॉर्म 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे जो भी आप लोगों का एप्लीकेशन का नाम है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद दोस्तों आप लोग चलेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टार्ट पोजिशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग सेंटर स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज बॉक्स है तो हम लोग इसको कर देंगे ट्रू रहने देते हैं, मैक्सिमाइज को दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे ताकि दोस्तों हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो इसका कंस्टेंट बिगड़े ना इसलिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा ग्रे कलर का है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे बैक कलर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वेब पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ व्हाइट स्मोक ये वाला ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे चलते इसको कट करते हैं, यहाँ पे जाएंगे सब दोस्तों हम लोग विंडोज़ के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोगों का सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है तो जाएंगे, वरना आप लोगों को नहीं जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग विंडोज़ के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको टूल बॉक्स को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले को बंद करता हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को खोलता हूँ, यहाँ पे टूल बॉक्स को भी खोल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉर्म 1.cs लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लोग mainform.cs रहने देंगे ताकि दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट में बहुत सारा फॉर्म वगैरह खुलेगा अभी तो वो हम लोग कन्फ्यूज ना हो इसलिए। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का यहाँ पे काम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर और देखते हैं दोस्तों हम लोग इस फॉर्म के अंदर क्या क्या कस्टमाइज
कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं अपना फॉर्म। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे पिक्चर बॉक्स का यूज करेंगे। पिक्चर बॉक्स का ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कार्ड आइकन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे टूल बॉक्स के अंदर पिक्चर बॉक्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, चूज इमेज पे क्लिक करना है, लोकल रिसोर्स पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों का आइकन है, लोगो वगैरह है, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा लोगो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लेंगे आपका कौन हिसाब से यहाँ पे सेट होता है। जैसे मेरा ये सेट हो रहा है सोनू स्वीट के नाम से, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैं यहाँ पे बड़ा करके और यहाँ पे ऊपर में टॉप में लगा दूंगा। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा लोगो सेट हो गया। अब दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे सेंटर फॉर्म पे इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग फॉर्मेट में जाएंगे, सेंटर फॉर्म पे जाएंगे, हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जितने भी कस्टमर का डिटेल्स एंटर करना वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन करना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक लेबल लगाएंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका नाम चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर नेम, इस तरीके से कस्टमर नेम लिख देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि दोस्तों ये बड़ा दिखे। यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉन्ट के ऊपर, 11 साइज कर देते हैं। आप लोग चाहे तो इसका यहाँ पे फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं ये दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि कस्टमर का नेम इनपुट में करवा सके। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसका साइज जो है कुछ इतना कर लेते हैं, ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में अभी इसके प्रॉपर्टीज में नहीं जाएंगे, सिर्फ दोस्तों हम लोग जितना भी चीज़ें चाहिए वो हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से एक लेवल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से बढ़िया है कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग कस्टमर से क्या लेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कस्टमर नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करके कस्टमर मोबाइल नंबर कर देंगे इस तरीके से, ये हो गया। तो अब इसको थोड़ा हम लोग यहाँ इतना कर लेते हैं ताकि ये सारे के सारे साइज में हो। इसके बाद दोस्तों इसी को कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल नंबर। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को एक चाहिए कि कस्टमर जो है हमारे शॉप से खरीद क्या रहा है, उसका हम लोगों को एक लिस्ट चाहिए जो कि दोस्तों हम लोग उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका बिल जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे कस्टमर को ये सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं और दोस्तों इसका नाम चेंज करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे इस तरीके से, ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा के हम लोगों को टाइप नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे जिसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। इसके बाद दोस्तों इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ कलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के शॉप में प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे मैं सोनू स्वीट लिख रहा हूँ, जैसे ये मिठाई दुकान के लिए मैं मान लीजिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मिठाई से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आप लोग बेचते हैं वो सारा यहाँ पे आप लोग लिख डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे मिठाइयों का नाम मैंने लिख लिया, जैसे रसगुल्ला, रबड़ी, लड्डू, बर्फी, समोसा, जलेबी, ये सब सारे मिठाइयों को मैंने नाम लिख दिया जो कि दोस्तों कस्टमर हमारे शॉप से खरीद सकता है। ये समझ के दोस्तों आप लोग जो भी यहाँ पे लिखते हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका सारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर जो हमारे पास सामान खरीद रहा है वो किस क्वांटिटी में खरीद रहा है, मतलब दोस्तों प्रोडक्ट का क्वांटिटी। मान लीजिए हमारे पास से एक प्रोडक्ट एक समोसा खरीद रहा है तो वहाँ पे एक को आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसका डुप्लीकेट
यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी ये जो प्रोडक्ट है इसमें दोस्तों हम लोग इसको रीनेम करके क्वांटिटी पे क्वांटिटी लिख देंगे, इस तरीके से क्वांटिटी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों इसमें हम लोग इसको फिर से ये जो कॉमो बॉक्स हो गया इसको हम लोग रीनेम करेंगे, जहाँ के दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर चेंज करना है। जैसे इसका नाम यहाँ पर हम लोग करते हैं, कलेक्शन में चलते हैं, इसमें भी वही मिठाइयों का नाम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग प्रोडक्ट का क्वांटिटी लिख देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद सीधा 10 लिखेंगे, 10 के बाद सीधा यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे, 20 के बाद सीधा लिखेंगे 50, उसके बाद 100 लिख देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोग प्रोडक्ट का क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को करना है, जो कि होगा यहाँ पे आप लोग ये वाला पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ड्रॉप डाउन स्टाइल और ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों को कर देना, ताकि दोस्तों यूजर इसे सिलेक्ट कर पाए, अपना कुछ टाइप नहीं कर पाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे हम लोगों को लिख टाइप करना है, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको रीनेम कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट का, मतलब मान लीजिए एक समोसा खरीदता है तो उसका प्राइस आप लोगों को यहाँ पे एंटर करवाना है, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जो होगा दूसरा चीज़ होगा दोस्तों हम लोग यहाँ पे टोटल प्राइस बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर के पास से यहाँ पे एक रसगुल्ला सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्वांटिटी में उसने 2 सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 2 रसगुल्ला यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रसगुल्ला का दाम आप लोगों को टाइप करना है, जैसे 10 रुपया मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके दोनों का यहाँ पे बताएंगे अपना प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये दोस्तों थोड़ा लॉजिक वाला हो जाएगा, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए इसको फिर से सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर आप लोग इसका डुप्लीकेट बना लें। यहाँ पर उसका आप लोगों को रिनेम करना है, प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल प्राइस टू पे, मतलब पेमेंट के लिए कितना प्राइस आप लोगों को देना है ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ये हो गया, अब इस तरीके से यहाँ हो गया। इसमें दोस्तों ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें दोस्तों हम लोगों को थोड़ा चेंज करना है, जो कि रहेगा दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसमें टाइप यूजर कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर देख पाए, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे रीड ओनली लिखा हुआ, तो इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे ट्रू कर देंगे, तो दोस्तों इसमें टाइप कुछ नहीं होगा, सीधा दोस्तों यहाँ पर यूजर एंटर कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ बटन बनाते हैं, जो कि दोस्तों हम लोग मान लीजिए एक कस्टमर ने खरीदा उस पर क्लिक करें तो दूसरा कस्टमर की ये सारा चीज़ खाली हो जाए, दूसरा कस्टमर का ऐड कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे बटन इस तरीके से, इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेंगे इस तरीके से, और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर पहले एक इमेज लगाएंगे। इमेज लगाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर इमेज लिखा हुआ नन पे क्लिक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकल रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आप लोगों का इमेज है, जैसे हम लोग नया कस्टमर ऐड करने के लिए तो ये वाला प्लस वाला आइकन है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर टेस्ट इमेज रेडी रिलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, जैसे ये वाला कर देंगे हम लोग, ये वाला हम लोग कर देंगे, यहाँ पर इमेज बिफोर टेक्स्ट ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर पहले इमेज आएगा उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। और थोड़ा दोस्तों हम लोगों को ये सारे को सिलेक्ट करना है, पहले ये सारे को आप लोग इस तरीके से सिलेक्ट करें इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि इतना ये रहेगा। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करें, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करें, यहाँ पर सेंटर वर्टिकल पर आप लोग सेंटर हॉरिजेंटल पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना हो, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से ये बटन वाले पर क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ में चलना, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये बटन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड न्यू कस्टमर, कस्टमर पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। अब इसका चाहे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ, बैक कलर लिखा हुआ, वाइट स्मोक लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कस्टम पर चलते हैं, ये वाला कर देते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब दोस्तों इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी आप लोगों ने कस्टमर का डाटा एंटर किया उसको दोस्तों हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो दोस्तों आप लोग इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्रिंटिंग कैसे करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग बैक कलर को पहले चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बैक कलर है, जैसे इसको हम लोग कर देते हैं, ये कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों इसमें हम लोग इसका जो इमेज है उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट वाला है, प्रिंट वाला इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कर देंगे प्रिंट, प्रिंट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसमें मान लीजिए इसको हम लोग पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले इसका बैक कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे इसका आइकन वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ वाला है, ओके पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, सेव एज पीडीएफ इस तरीके से कर देंगे। ये इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं और एप्लीकेशन को एग्जिट करवा देते हैं, सिंपल कंट्रोल प्रेस करके डुप्लीकेट बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, आइकन का कलर पहले चेंज कर लेंगे, यहाँ से रेड है तो हम लोग यहाँ पे ग्रे कर देते हैं जो रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका जो कलर बैग इमेज का इमेज भी हम लोग चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए ये वाला है, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखें हम लोग एग्जिट यहाँ पर टाइप कर देंगे, एग्जिट इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारा डिजाइन हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉन्च होकर आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए मैं अपना कस्टमर का नाम दे देता हूँ, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं अपना ही दे देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को जलेबी खरीदना है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को 10 पीस जलेबी खरीदना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस, एक पीस का प्राइस डालेंगे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए एक पीस का जलेबी का दाम है 5 रुपया। तो यहाँ पे टोटल प्राइस जो है दोस्तों ये हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, हम मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है। यहाँ पर टोटल प्राइस जैसे ही आप लोग ये डालेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके हम लोग न्यू कस्टमर ऐड करवा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी आप लोगों ने फिल किया रहेगा वो सारा यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, इसका इस बटन का यही काम होगा। उसके बाद दोस्तों इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट डायलॉग जो होता है वो खुलेगा, जिसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाया हूँ, तो इस वीडियो में आप लोग सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को सेव करने के लिए एक डायलॉग खुलेगा, जो भी इसका बिल जनरेट होके आ गया उसको आप लोग सेव करवा सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके सिंपली ये एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसको हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जितने भी हम लोगों ने बनाया है कस्टमर ने, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो इसका नेम प्रॉपर्टी है जैसे टेस्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे ताकि दोस्तों हम लोग इसका इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से हो गया। उसके बाद कस्टमर मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करें, यहाँ पे क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स कर देते हैं, क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से हो गया। अब है प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, इसको रहने देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स हो गया। उसके बाद इसको पकड़ते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट टोटल
प्राइस टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एड न्यू कस्टमर बटन इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद है प्रिंट वाला, तो यहाँ पे कर देंगे प्रिंट बटन, प्रिंट बटन। उसके बाद है सेव पीडीएफ करने के लिए, तो सेव एज सेव पीडीएफ बटन कर देंगे हम लोग, सेव पीडीएफ बटन। उसके बाद एग्जिट है, तो एग्जिट एग्जिट बटन कर देंगे, एग्जिट बटन, ताकि दोस्तों ये मर्ज ना हो। उसके बाद देखेंगे तो ये सारा हो गया। अब दोस्तों ये जो एग्जिट बटन है, इस पर दोस्तों हम लोग क्लिक इवेंट लगाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे कौन लिखना है दोस्तों हम लोगों को, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट एग्जिट इस तरीके से लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट भी लगाना है, इस तरीके से लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन एग्जिट हो गया। तो अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन को जब भी मैं रन करता हूँ, एप्लीकेशन को जब भी मैं रन करता हूँ, तो इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे, जो आप लोग पहला ऑप्शन इस पर रहना चाहिए, तो ये इस पर है, इसको टैब इंडेक्स इसको बेसिकली कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोगों को चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसको पकड़ेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक टैब इंडेक्स नाम का होगा, टैब इंडेक्स टू लिखा हुआ, इसको हम लोग कर देंगे जीरो, ऊपर वाले को इसको जीरो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे दोस्तों टू हो गया, तो इसको कर देंगे वन। उसके बाद दोस्तों इसको पकड़ेंगे, इसमें थ्री है, इसमें है थ्री ही है, तो इसको हम लोग फोर कर देंगे। उसके बाद इसमें टू लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग फाइव कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे सेवन, एट, नाइन, टेन इस तरीके से। ये मैंने क्यों किया, जब भी दोस्तों आप लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे इस बार कर्सर जो है ये ऊपर वाले पे शो हो रहा है। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये नीचे वाले में आया, फिर से नीचे वाले में आया, फिर से नीचे नीचे नीचे, उसके बाद यहाँ पर आएगा एड बटन पर, उसके बाद इस पर आएगा, उसके बाद इस पर, इस तरीके से ये हमारा काम कर जाएगा। तो इस तरीके से ये टैब इंडेक्स भी आप लोग चेंज कर सकते थे। अब दोस्तों मेन काम आता है, जो कि दोस्तों हम लोग करेंगे, तो दोस्तों अब हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी दोस्तों कस्टमर इस बटन पे क्लिक करे, इसमें जो भी सिलेक्ट हो वो खाली हो जाए, ताकि दोस्तों नया कस्टमर का डाटा इसमें ऐड किया जाए। इस पर दोस्तों हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे और सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग बंद करते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं ये जो कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर इस तरीके से कर देंगे, और इसको इस तरीके से कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कस्टमर मोबाइल नंबर कर देंगे, कस्टमर मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स, कस्टमर मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर इस तरीके से करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स, तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स, प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, यहाँ पर आप लोगों को करना सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर देंगे जीरो, ताकि जो पहला इंडेक्स है वो सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा हमारा क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स होगा, क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग जीरो कर देंगे, जो भी पहला इंडेक्स है वो सेलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा यहाँ पर प्राइस, ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको आप लोग टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, तो प्राइस प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर इस तरीके से आप लोग क्लियर कर देंगे। उसके बाद है हमारा टोटल, टोटल प्राइस प्रोडक्ट टोटल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर इस तरीके से आप लोग क्लियर कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स है, कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, इस पर हम लोग ला देंगे, ताकि दोस्तों जब भी इस पर क्लिक करें तो ये हमारा काम हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, पहले इसमें कुछ डाटा ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सोनू कुमार, उसके बाद हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, तो मोबाइल नंबर भी कुछ भी एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, वैलिडेशन के ऊपर मैंने वीडियो लगाया, तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं, ये प्राइस हो गया हमारा, टोटल प्राइस को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करते हैं जैसे, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो पहला इंडेक्स था वो खाली होके सिलेक्ट होके आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट योर इंडेक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से एंटर करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग एंटर कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पहला काम हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा ये जो हमारा प्राइस है, इस पर दोस्तों अगर प्राइस को एंटर करता है, मान लीजिए 10 रुपया एंटर कर देता है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटीज, मान लीजिए 2 क्वांटिटी सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर यहाँ पे 20 रुपया आना चाहिए। इसको हम लोग ये कॉड आप कर लेते हैं, तो इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग प्राइस को पकड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों इस पर इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टीज में, उसके बाद दोस्तों इवेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक टेस्ट चेंज नाम का एक प्रॉपर्टी दिखेगा, इस पर दोस्तों आप लोगों को डबल क्लिक कर देना, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बेसिकली एक वेरिएबल बनाना है, जैसे आप लोग इन टाइप का बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का बना सकते हैं, और डेसिमल टाइप का बना सकते हैं, ताकि दोस्तों प्राइस वगैरह जो भी होता है वो जैसे पॉइंट में भी आ सकता है, 10 रुपया 5 पैसा भी आ सकता है, तो इसको इसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेटर सबके लिए मैं डेसिमल करता हूँ, डेसिमल यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे कर देता हूँ टोटल प्राइस, इसका वेरिएबल का नाम टोटल प्राइस इक्वल टू, तो यहाँ पे टोटल प्राइस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को करना है, जब भी एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो जो भी यूजर एंटर करता है, जो भी वेरिएबल वगैरह यूजर एंटर करता है, वो स्ट्रिंग टाइप में आता है, तो इसको दोस्तों हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए उसको इन टाइप में हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कोड लिखना है कन्वर्ट टू, यहाँ पे आप लोग इन टाइप करके इन 32 बिट वाला इसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को वो लिखना है जहाँ से हमारा जो प्राइस है वो आएगा, तो जैसे हमारा प्राइस जो है वो आ रहा है, यहाँ पे कौन सा प्राइस आ रहा है, तो कन्वर्ट किसको करना है, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे यूजर ने प्राइस कितना एंटर किया, पहले ये ले लेते हैं, तो यूजर ने जो प्राइस एंटर किया है, तो यूजर ने जो प्राइस एंटर किया है तो वो किस में है, प्राइस प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर है यूजर का प्राइस। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रोडक्ट यूजर जो है कि यूजर ने कितने प्रोडक्ट किए, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट यूजर के एक प्राइस का दाम है तो 10 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर से कन्वर्ट टू इंट 32 बिट, और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे क्या नाम था इसका, क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्टेड इंडेक्स नहीं करना है, कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट कर देता है, तो भी दोस्तों आप लोगों का काम यहाँ पे हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये जो टोटल प्राइस है इसको दोस्तों हम लोगों को सेट भी करना है, किस में सेट करना है, तो इसको दोस्तों हम लोगों को सेट करना है टोटल प्राइस टू पे में, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका जो नाम था क्या था, इसका हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, यहाँ पर चलते हैं, इसका जो नाम था प्रोडक्ट टोटल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको इसमें दोस्तों हम लोगों को सेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रोडक्ट टोटल प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे ये जो कोड आया टोटल प्राइस टू स्ट्रिंग में आप लोगों को सेट करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारा यही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, और यहाँ पे इसका जो प्राइस है एक लड्डू का दाम रख देते हैं 5 रुपया,
तो यहाँ पे ये जो कन्वर्ट होके आएगा, यहाँ पे आप लोग देखें ये एरर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एरर का पता चल गया। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इस तरह का एक इफ कंडीशन लगाना, जिसके अंदर आप पहले लगाएंगे नॉट प्रोडक्ट टेस्ट बॉक्स डॉट टेस्ट इक्वल टू, अगर वो टेस्ट बॉक्स खाली नहीं है तो ही दोस्तों आप लोग इस कोड के चलाए, वरना नहीं चलाए। इससे अगर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करके अभी दिखाता हूँ, जैसे दोस्तों भाई यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स जो है अगर ये खाली रहता है तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये इसमें कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं पाता, ये जो कोड है ये हमारा चल ही नहीं पाता, इसलिए दोस्तों वहाँ पे एरर आ जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये कंडीशन लगाया, अगर दोस्तों यहाँ पे ये खाली है तो दोस्तों आप लोग इसको इसको इस कंडीशन को यूज ही नहीं, इस ये जो कोड लिखा है इसको यूज ही नहीं करें। अब दोस्तों आप लोग चेक करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं सोनू कुमार इस तरीके से, उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं इस तरीके से, उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 क्वांटिटी सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी एक प्रोडक्ट का यहाँ पे दाम है, जैसे यहाँ पे रसमलाई तो एक पीस का दाम है 25 रुपीज़, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 पीस का दाम हो गया 125 रुपीज़। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कैलकुलेशन होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 67 दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 रसगुल्ला का प्राइस 67 के हिसाब से यहाँ पे 201 रुपया हो जाता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर 3 के बजाय यहाँ पे कर दिया कि 10 रसगुल्ला मुझे दे दो, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्राइस अपडेट नहीं हुआ। जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने प्राइस पे टेस्ट चेंज इवेंट लगाया, उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को क्वांटिटी पर भी लगाना होगा। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हम लोग चलिए लगा लेते हैं, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करते हैं और चलते हैं डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी वाले कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज में। तो जब दोस्तों आप लोग यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स वाला क्वांटिटी वाला कॉम्बो बॉक्स को चलेंगे, इसके इवेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को टेस्ट चेंज इवेंट आप लोगों को दिखेगा। इस पर दोस्तों आप लोगों को डबल क्लिक करके इसका भी क्लिक इवेंट यहाँ पर जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जनरेट हो चुका है, बाकी सारा चीज़ यही कोड रहेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको ये कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग एक मेथड में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे है उसको मेथड में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ये सेम ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोस्तों ज़्यादा झंझट ना हो। इस तरीके से कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ये प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर चेक कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्वांटिटी कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे ये, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे सेम ही रहेगा, बाकी इसमें कोई भी हम लोगों को चेंजिंग नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, रन करके ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर भी कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्वान्टिटी सेलेक्ट करना, मैं पहले यहाँ पर 2 सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ एरर आया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एरर का पता चल गया, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप जो पहले वाले में आप लोग प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट चेंज वाले में, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्वांटिटी भी हम लोगों को चेक कर लेना है कि क्वांटिटी भी अगर क्वांटिटी भी खाली है तो दोस्तों ये रन नहीं होना चाहिए, ये कोड जो है हमारा रन नहीं होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों आप लोगों को क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ये वाला भी यहाँ पे इसको भी चेक कर लेना है, जो प्रोडक्ट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स है यूज़र ने प्राइस टेक्स्ट डाला है कि नहीं डाला है ये भी चेक कर लेना है। इस तरीके से दोनों में आप लोगों को एक ही एप कंडीशन के अंदर ये चेक कर लेना कि यूज़र ने खाली तो नहीं छोड़ दिया, तो नहीं तब दोस्तों आप लोगों का एरर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना नाम डालता हूँ सोनू कुमार इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं अपना डाल देता हूँ उस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे पहले मैं 2 रखता हूँ, उसके बाद प्राइस 10 रुपया रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे क्वांटिटी मैं कर देता हूँ 4, तो यहाँ पर 40 रुपया हो गया। अब मैं यहाँ पर प्राइस भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 इस तरीके से, तो यहाँ पे 80 रुपया आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग 100 कर देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा काम कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक गड़बड़ हो गया है एप्लीकेशन के अंदर, जब मैंने बना रहा था तो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। ये जो हम लोगों ने सेव एज पीडीएफ बटन बनाया, इसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं है,
जब भी दोस्तों आप लोग प्रिंट 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 बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। इसको दोस्तों हम लोग चेंज करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट पर प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू वाला हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट वाला रहेगा, यहाँ पे एक प्रिंट प्रीव्यू वाला बना लेते हैं, पीडीएफ वाला हटा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वो दोनों काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इसके बदले प्रिंट प्रीव्यू बना लेते हैं, इस पर क्लिक करेगा तो जो भी हमारा प्रिंट प्रिंट होने वाला रहेगा, आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू वाला, वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पीडीएफ वाला वहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से वहाँ पे ऑप्शन रहता है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग चलते हैं डिजाइन टाइम में, यहाँ पे पहले एक आइकन हम प्रिंट प्रीव्यू वाला आइकन यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आइकन को डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों इसको हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके इवेंट में चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो ये जो आइकन है हम लोग इसको हटा लेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे प्रिंट प्रीव्यू वाला, मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड फोल्डर में होगा शायद ये वाला प्रीव्यू वाला, आप लोग देख सकते हैं ये आँख वाला, इसको हम लोग कर देंगे, उसके जगह पर ये आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग चेंज कर देंगे, सेव एज पीडीएफ के जगह प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे, इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो नेम प्रॉपर्टी है इसको भी हम लोग सेव पीडीएफ लिखा हुआ है तो हम कर देंगे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। वहाँ पे पीडीएफ वाला पहले से रहता है ऑप्शन सेव करने के बारे में, आप लोगों ने गूगल क्रोम में देखा, अगर आप लोगों को प्रिंट नहीं करना है तो वहाँ पे आप लोग सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किस पे काम करेंगे तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो दोस्तों हम लोगों ने प्रिंट प्रीव्यू वाला बटन बनाया इसी पे दोस्तों अब हम लोग काम कर लेंगे। इस पे काम करने के लिए दोस्तों हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रिंटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पैनल में आएंगे प्रिंटिंग वाले में, तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सबसे पहले दोस्तों प्रिंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और दूसरा है जो प्रिंट कंट्रोल आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग आप लोगों को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम लोग पहले प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ताकि दोस्तों ये दोनों बटन एक ही बार में हम लोगों का काम हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो इसका जो नाम है यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एम ऐसे ही रख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे एम एम प्रिंट डॉक्यूमेंट इस तरीके से आप लोग नाम रख लेंगे, तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो है इसके बिना ये काम नहीं करेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हम लोगों को कुछ प्रिंट करवाने के लिए दोस्तों हम लोग ये जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है इसको यूज़ करते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब ये ही नहीं रहेगा तो ये प्रीव्यू किस लिए काम करेगा, ये इसलिए ये बात को आप लोगों को ध्यान रखें, दोनों को आप लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग पर यहाँ बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स होता है बाकी जैसे एप्लीकेशन वगैरह में देखे होंगे, तो उसको यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप लोग करेंगे एम, जो भी आप लोगों ने रखा होगा नाम, एम प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग डॉट डॉक्यूमेंट इस तरीके से इक्वल टू। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो एम प्रिंट डॉक्यूमेंट है इसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कॉल कर देना है, तो एम सॉरी बड़ी एम है, एम प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट वाला रखना, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को शो कर रहा है विजुअल स्टूडियो, ये कह रहा है कि ये आप लोग शो कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे एम प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग डॉट शो इस तरीके से कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हमारा डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है कि नहीं, तो इस यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू वगैरह एंटर कर देते हैं, ऐसे ही मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर देते हैं, प्राइस भी दे देते हैं, और यहाँ पे टोटल प्राइस ऑटोमेटिक ही आ गया। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे आले पे क्लिक करते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स खुल गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो पेज है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी यहाँ पे
किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पे प्रिंट होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी आए, हमारा शॉप का लोगो आए, पूरे कस्टमर का नाम आए, मोबाइल नंबर आए, ये सब हम लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। तो डिज़ाइन करने के बारे में आप लोग इस वीडियो में सीख लेंगे, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम प्रिंट डॉक्यूमेंट है ये वाला आप लोगों के यहाँ पे देखेंगे, एम प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग नहीं, एम प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस पर डबल क्लिक करके दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। इसी के अंदर दोस्तों हम लोगों को वो सारा चीज़ डिज़ाइन करना होगा, मैनुअली डिज़ाइन करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सिंपल आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड मेन प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें डिटेल्स में बात कर लूँगा। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं थोड़ा। तो डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसको कॉल करके हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने के लिए आप लोग टाइप करेंगे ई डॉट, यहाँ पे आप लोग देखें ग्राफिक्स, इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को वो सारा चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। उसके बाद टाइप करेंगे ड्रॉ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्रॉ या क्लिप्स वगैरह बहुत सारा आ रहा है। तो हम लोगों के यहाँ पे पहले स्ट्रिंग ड्रॉ करके देख लेते हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग हो उसके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें लिखेंगे। तो स्ट्रिंग में आप लोग देख सकते हैं पहले स्ट्रिंग का रहा है, उसके बाद फॉन्ट का रहा है, उसके बाद ब्रश का रहा है, ब्रश मतलब कलर, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट का जो मार्जिन वगैरह रहता है वो कर रहा है, ये सारा पैरामीटर हम लोगों को देना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चेक करने के लिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, सोनू कुमार यादव, इस तरीके से दे देता हूँ। उसके बाद कर रहा है दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट, तो फॉन्ट हम लोग देंगे। फॉन्ट के लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, न्यू फॉन्ट, इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे फॉन्ट देना होगा। तो फॉन्ट का आप लोग जैसे नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ एरियल, एरियल फॉन्ट होता है, इसका साइज भी देना होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट पहले स्टाइल देना होगा, तो स्टाइल हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों को साइज देना होगा, तो साइज मैं 11 दे देता हूँ, जो बेसिकली रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को इसका देना होगा स्टाइल, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को देना होगा ब्रशेस, यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे ब्रशेस, मैं सबका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्रशेस डॉट, यहाँ पे आप लोग कर दें ब्लैक, ब्लैक, उसके बाद कोमा लगाएं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देना है, आप लोग यहाँ पे टाइप करें न्यू, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट, और पॉइंट के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 00 दे सकते हैं, या दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसको छेड़छाड़ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो ये हो गया, अब दोस्तों हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तो आया, तो यहाँ पर आप लोग इसका जूम वगैरह करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 500 करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस पेज के अंदर सोनू कुमार यादव यहाँ पे ये आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये लिखा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर आप लोग देखें यहाँ पर 00 लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25 और इसको 100, तो पता चल जाएगा कौन एक्स है कौन वाई है। तो पहले तो एक्स वाला होगा, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स हो गया ये, एक्स हो गया ये और वाई हो गया ये, तो वाई से ऊपर से मार्जिन 100 आ गया और इधर से मार्जिन आ गया 25। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्जिन भी आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल हम लोग जो ओरिजिनल काम करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर काम करने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर देंगे सोनू कुमार यादव के जगह कस्टमर नेम, कस्टमर नेम स्पेस देंगे प्लस, और यहां से हम लोग ले लेंगे ये जो प्रोडक्ट हमारा था कस्टमर नेम टेस्ट बॉक्स से, कस्टमर नेम टेस्ट बॉक्स, तो कस्टमर नेम टेस्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से हम लोग यहां पे
ले लेंगे। देखते हैं दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं सोनू कुमार इस तरीके से। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कस्टमर ने और कस्टमर का नाम सोनू कुमार इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना होगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्रीन का लोगो था उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड इसलिए करते हैं ताकि दोस्तों वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू डाले हुए वहाँ पे शो हो पाए। तो इसको ऐड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पर कोई भी इमेज बॉक्स में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग जाएंगे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाएंगे चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये वाला कर लेना है, ये वाला आप लोग कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोग लोगो लगाना चाहते हैं। तो मैं ये वाला कर लें, ओके पे क्लिक कर दूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये हट चुका है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वो वाला पहले वाला आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, चूज इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो वाला भी हमारा रहेगा, लोगो विथ एड्रेस वाला। तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी आप लोग इमेज को यहाँ पे अच्छी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। आसान तरीका था, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए दोस्तों हम लोगों को बिटमैप का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बिटमैप बनाते हैं। तो बिटमैप इक्वल टू नल नहीं, यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना है, जहाँ पर भी हम लोगों का इमेज है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना। तो यहाँ हमारा इमेज है प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज डॉट रिसोर्स इसके अंदर डॉट लोगो विथ एड्रेस, ये वाला इमेज है इसको हम लोग कर लेंगे। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोग इमेज बनाएंगे, इमेज इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा इस इमेज के अंदर ये इमेज आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ई डॉट ग्राफिक्स है इसको भी हम लोग यहाँ पे करना होगा, ई डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ इमेज इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे ये वाला आ गया इमेज आ गया। तो उसके बाद हम लोगों को, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ये न्यू नहीं करना है, सीधा दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बिट मैप टाइप कर देना इस तरीके से, तो भी दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इमेज ये आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, 25 इस तरीके से दे दो। उसके बाद ये कह रहा है कि इमेज का हाइट वेट कितना रहना चाहिए, तो जो हमारा इमेज है उसी के हिसाब से यहाँ पे इसका हाइट वेट रहना चाहिए। तो इमेज डॉट विट, उसके बाद इमेज का हाइट, इमेज का जितना हाइट है वो डिफॉल्ट रहे वो वही भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको भी, अगर आप लोगों का सेट नहीं हो रहा है तो इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे पॉइंट में देके देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा दिमाग लगाना होगा, तब दोस्तों ये आप लोगों का सक्सेस होगा। ऐसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, 25 दिए तो क्या हुआ, 26 देते हैं इस बार, इस तरीके से आप लोगों को काम करना हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सोनू कुमार इस तरीके से, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये आ गया। लेकिन दोस्तों ये इमेज का साइज जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा कम बेसी कर लेंगे। इसके साथ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो इमेज है यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। ये जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये जो आप लोग देखेंगे ये एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सब फेक है, इस पर आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, ये मेरा एड्रेस नहीं है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे स्क्रीन पे फिट आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर नेम था इसका जो मार्जिन वगैरह मैंने दिया आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज का जो एक्स वाई है इसको जो मार्जिन दिए 100, इसका जो साइज है 800 और 150, इस तरीके का हाइट विथ और हाइट आप लोग दे सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे साइज का देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट जो हम लोगों का नाम था टेस्ट बॉक्स, उसका भी हाइट वीट है आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया तो वहाँ पे नीचे आ गया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा और डिजाइन करते हैं, ताकि दोस्तों कस्टमर का प्राइस वगैरह वो सब चीज़ मैं डिजाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक डेट के लिए भी यहाँ पे एक ड्राइंग किया, जिसके मदद से दोस्तों वहाँ पे हमारा जो प्रिंट होगा, जब वहाँ पे किस डेट में कस्टमर कौन सा सामान खरीदता है वो भी प्रिंट होगा। इसके अंदर मैंने क्या किया, वहाँ पे e.graphics.drawString को ड्रॉ किया, इसके अंदर डेट टेक्स्ट बुक्स लिखे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंकैटेनेशन किए डेट टाइम को datetime.now। इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों के सिस्टम में जो भी डेट रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद कलर, उसके बाद दोस्तों ये कहाँ पे शो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 550 मैंने मार्जिन एक्स दिया है और 300 मार्जिन हम लोगों ने वाई दिया है। तो ये दोस्तों आप लोगों को खुद से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तब आप लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पर व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डायलॉग खुल के आया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कस्टमर नेम है और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डेट भी दिख रहा है, 23/6/2022 7:11:02। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देना होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक लाइन आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टमर आइटम का डिस्क्रिप्शन रहे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहे, उसके बाद कितने क्वांटिटी रहे, उसके बाद दोस्तों उसका प्राइस रहे, ये खुल के आए, ये यहाँ पे प्रिंट हो। तो पहले लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के 3-4 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैं यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से, जैसे स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग, इसका नाम दे देते हैं डैश लाइन, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप लोग कर सकते हैं। इसको बाद में हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इतना कर देता हूँ। इस तरीके से ये हो गया, आप लोग देखेंगे ये इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसको, ये जो हमारा था इसको, ये ऊपर वाला, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डैश लाइन लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ तक हटाएं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कर दें डैश लाइन, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस ये टाइप कर देंगे dashline.text को हटा देना, डैश लाइन आप लोग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एरियल रहेगा, फॉन्ट स्टाइल वही रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ऊपर से मार्जिन 300 है तो यहाँ पे ऊपर से मार्जिन हम लोगों को यहाँ पे कर देना है 400, मतलब 100 और हो जाए, इस तरीके से कर देंगे। देखते हैं दोस्तों ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। रन बटन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके के ये आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ये हो गया, लाइन ज़्यादा आ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे 400 है तो हम लोग कर देते हैं 350 कर देते हैं, स्टार्ट करके देख लेते हैं, चेक करके आ रहा है कि नहीं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये ठीक ही है। तो इसको अभी रहने देते हैं। एक चीज़ और हम लोगों से छूट गया, कस्टमर नेम के बाद दोस्तों हम लोगों को कस्टमर का दोस्तों हम लोगों को मोबाइल नंबर भी प्रिंट करना होता है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। मोबाइल नंबर ये जो लाइन है इसके ऊपर पहले हम लोग मोबाइल नंबर को ही प्रिंट कर लेते हैं, नहीं तो वो बाद में रह जाएगा। लाइन को मैंने नीचे किया, उसके बाद दोस्तों ये जो कस्टमर का नाम है ये वाले को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कस्टमर मोबाइल नंबर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स है तो हम लोग कर देंगे कस्टमर मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल वगैरह यही रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका जो पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, जैसे यहाँ पे 325 कर देंगे इस तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर इस बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कस्टमर का मोबाइल नंबर भी अच्छी तरीके से यहाँ पे आ गया और लाइन भी ठीक ही है। थोड़ा लाइन में हम लोगों को डैश और बढ़ाना है, जितना डैश है उतना और बढ़ाना है, तो हम लोग ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे डैश बढ़ाने के लिए दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे आप लोग इस डैश को बढ़ाते जाइए, इस तरीके से बढ़ा दीजिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर बड़ा हो गया तो उसको हम लोग छोटा कर लेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डैश बड़ा हो गया है, तो हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब ये दोस्तों काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 ठीक है, अब रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन भी ड्रॉ हो गया। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आइटम का डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स, क्या कस्टमर ने सामान खरीदा, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी कितने सामान खरीदा, उसके बाद प्राइस वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे टोटल प्राइस टू पे वो हम लोग भी कर देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का आइटम डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए आइटम का कौन सा सामान खरीदा, तो उसको करने के लिए आप लोग इनमें से किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, सिंपल है, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसमें चेंज करना, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, मैं कर देता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोगों को इस बार हटा लेना क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। आइटम डिस्क्रिप्शन, न्यू फॉन्ट, रेगुलर स्टाइल, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना 350 ये हो गया, तो 25 हम लोगों को इनमें से भी इंक्रीज करना है, 25-25 का मार्जिन हम लेकर चल रहे थे, 375 इसको कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को प्रिंट करते हैं, तो क्वांटिटी को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फिर से इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यहाँ पे टाइप कर देंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 375 ये रहने देना, इस बार इसको हम लोगों को इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे 100 इंक्रीज करके देखता हूँ ये कहाँ पे जाता है। ये थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे 100 किए तो यहीं पाया, तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली तो 500 के लगभग ये जाएगा मेरे ख्याल से। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था 500, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 400 करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस बार ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्राइस कर देते हैं, 400 से ज़्यादा इंक्रीज करके थोड़ा प्राइस कर देंगे, तो ये भी कर लेते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इसके नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी के जगह दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्राइस कर देंगे। प्राइस वगैरह इसके नीचे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। प्राइस हो गया, तो यहाँ पे ये 400 के जगह हम लोग कर देते हैं इसको 500 से नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग 600 कर देंगे इस तरीके से। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस बार ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन को सीधा कॉपी पेस्ट करना है। उसके नीचे हम लोग वहाँ पे जो कस्टमर का सामान रहेगा उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो लाइन के लिए हमारा ये था डैश लाइन, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को करना होगा, ये हम लोगों को ठीक ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोगों को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 350 ये था, उसके बाद 375 ये हो गया, ये भी 375 एक ही लाइन में, फिर ये 375 ये एक ही लाइन में। तो हम लोगों को आप दोस्तों इससे 375 से करके हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीज करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 400, तो उससे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नीचे ये प्रिंट होके आएगा। तो देखते हैं ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों इसके नीचे हम लोगों को प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो भी आइटम सामान खरीदा है वो कितने क्वांटिटी में खरीदा है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, नीचे टोटल प्राइस हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पहले अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सॉरी प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम शो करने के लिए आप सिंपल है, यहाँ से आप लोगों ने जो कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, ये कोई सा भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल नंबर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम लोगों को सिंपल पेस्ट करना है। तो यहाँ से ये वाला हम लोग हटाते हैं,
यहाँ पे सिंपल है प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स से आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स डॉट, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं टेक्स्ट कर देते हैं टेस्ट, देखते हैं ये ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट कॉम्बो बॉक्स का टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका हाइट वगैरह माइनस करना होगा, तो इसको दोस्तों हम लोग 400 से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 425। उसके बाद दोस्तों पॉइंट यही रहेगा, उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस बार हम लोग करते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ पूरे पूरे भरते हैं सोनू कुमार, उसके बाद मोबाइल नंबर इस तरीके से, उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे मैं सर कुछ भी ले लेता हूँ, जलेबी ले लेता हूँ। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जलेबी आ रहा है, इसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलेबी आ गया। अब प्रोडक्ट क्वान्टिटी की बारी आती है, तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग कट करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो फॉन्ट का प्रोडक्ट का जो फॉन्ट है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोल्ड भी हो रहा है, इस तरीके से बोल्ड भी कर देंगे तो वो बोल्ड में आएगा। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सिंपल है यहाँ पे सिम कर देना प्रोडक्ट क्वांटिटी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बोल्ड ही रखना है, और ये सब सारा चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ दोस्तों ये वाला इंक्रीज होगा। तो ये वाला जो हमारा था इंक्रीज हुआ था, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी वाले में हम लोगों ने दिए थे 400, तो यहाँ पर हम लोग 400 दे देंगे, उसी के नीचे ये शो होके आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेड़ा आया, क्वांटिटी यहाँ पे 3 आ गया, और दोस्तों यहाँ पर प्राइस का भी कर लेते हैं, यहाँ पर 600 करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट प्राइस कर देंगे, प्रोडक्ट प्राइस टेस्ट बॉक्स इस तरीके से हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये प्राइस भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग सीधा यहाँ पे चले आते हैं इस लाइन पे, यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसके नीचे टोटल पेमेंट, पेमेंट करने के लिए टोटल कितना पेमेंट करना है, और इसके नीचे हम लोग वहाँ पे टोटल पेमेंट दिखाएंगे। टोटल पेमेंट जो कैलकुलेशन होके आता है वही हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर देंगे, थैंक्स फॉर शॉपिंग, इस तरीके से कुछ भी हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो एक ही लाइन बचा है। तो ये वीडियो हमको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 2-3 पार्ट में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाया। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये वाला था हमारा डैश लाइन, इसको हम लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 425 हो गया, तो सीधा हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 800। देखते हैं दोस्तों ये लाइन कहाँ पे ड्रॉ होता है, सही जगह पे ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सही जगह पे ये ड्रॉ हो रहा है। और सीधा आप दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे हम लोग कर देंगे फॉर पेमेंट, ये हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर देंगे उसका जो टोटल प्राइस आएगा वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करते हैं, जैसे ये मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते हैं टोटल अमाउंट फॉर पेमेंट इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था लाइन को 800 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे यहाँ पे पहले 25 करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे 825 इस तरीके से। उसके बाद देखते हैं रन करके ये काम करता है कि नहीं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल अमाउंट फॉर पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अमाउंट शो करते हैं। तो अमाउंट शो करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने किया था। तो ये वाला हमारा होगा, ये वाला, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर देंगे टोटल, यहाँ पे इसका वेरिएबल हम लोगों ने क्या बनाया था देख लेते हैं एक मिनट। इसका जो था प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट टोटल प्राइस टेक्स बॉक्स, तो इसका नाम था प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट टोटल प्राइस टेक्स बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये आ जाएगा इसके अंदर। इसको हम लोग बोल्ड रहने देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको 825 कर देंगे इस तरीके से, और 600 ये ठीक ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कोई वैल्यू ही नहीं डाला, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जैसे प्रोडक्ट ये, क्वांटिटी ये, प्राइस 10। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 आ गया। आप लोग चाहे तो यहाँ पे आरएस वगैरह भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाया तो लगा लेते हैं एक मिनट उसमें क्या लगता है। तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग लगा लेंगे आरएस इस तरीके से, कंकनेटेशन भी कर देंगे। अब ये हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रिंट के लिए बना सकते हैं। ये आप लोगों का प्रिंट का डिज़ाइन हुआ, जिसके मदद से दोस्तों आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपने अपने तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फुल भर के दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो मोबाइल नंबर 21, उसके बाद यहाँ पर कोई सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट डालते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं RS 100 ये आ गया है, प्रोडक्ट का क्वान्टिटी ये हो गया। और भी एक लाइन दे के आप लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, अपना लोगो वगैरह कुछ भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, हैप्पी शॉपिंग वगैरह कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक लाइन और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो ये जो प्राइस वाला था प्रोडक्ट प्राइस, इसके अंदर दोस्तों RS भी लगा देते हैं, ठीक ही लगता है देखने में। तो यहाँ पर हम लोग RS लगा देंगे, RS इस तरीके से, और ये हो गया। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए ये जो हमारा डैश लाइन वाला है इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो पॉइंट एक्स वाइस है तो यहाँ पे हम लोग 850 कर देंगे, ताकि दोस्तों ये उसके नीचे आ जाए। इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सारा चीज़ डालते हैं, सोनू कुमार यादव, इसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डायलॉग खुल के आया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी RS आ गया और यहाँ पर भी ये RS आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर पाए, ये तो प्रिंट प्रीव्यू हो गया, अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट कर पाए। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रिंट बटन है इस पर दोस्तों हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो क्लिक इवेंट लगाने के लिए यहाँ पे आप लोग चले जाएँ, इस पर डबल क्लिक कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसका नाम याद रख लें, यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था एम प्रिंट डॉक्यूमेंट, इसको याद रखें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कॉल कर देना है एम प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, इस तरीके से आप लोग कर देंगे। एक सिंगल लाइन का कोड है, जिससे दोस्तों आप लोगों का ये जितना भी आप लोगों ने डिज़ाइन किया है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इस बार यहाँ पे सारा चीज़ डालते हैं, आखिरी बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद क्वान्टिटी, अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पर व्यू पे पहले क्लिक करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे अमाउंट वगैरह भी कैलकुलेशन होके आ रहा है। इसको कट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पेज 1 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, देखते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे प्रिंटर इप्सन वाला आ गया और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रिंट होके भी आ जाएगा और ये यहाँ पे प्रिंट होके भी आ जाएगा। मेरा प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है तो ये अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ जो कि दोस्तों यहाँ पे इसको PDF में सेव करके, तो यहाँ पे इसको हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं और एप्लीकेशन को एग्जिट बटन पे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से और चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे आप लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे अगर विंडोज में है तो। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च कर रहे, सिंपल है, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर ये वाला आप लोग सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डिफ़ॉल्ट है ये वाला प्रिंटर सेट है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इसको आप लोग सेट करें और सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ जाए अपने एप्लीकेशन में, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये कैलकुलेशन होके आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करूँगा तो इस बार देखिएगा दोस्तों वो प्रिंटर वाला नहीं आएगा, सीधा दोस्तों हमारा जो सेव करने वाला रहेगा वो आप यहाँ पे खुल के आएगा। तो इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ माई बिल लिख देता हूँ और इसको सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे वहाँ PDF में ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये PDF में सेव हो चुका है। तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से हमारा जो बिल जनरेट होके यहाँ पे PDF में सेव होके आ चुका था। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस तरीके का एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोग किसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।